असलम गाइज़ मैं हूँ आपका टीचर शकील और आप देख रहे हैं शकील अख्तर ऑन YouTube चैनल सो so गाइज़ आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा लेयर्स होती क्या है और उसको कैसे बनाया जाता है और लेयर्स के कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको जिन पॉइंट्स को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है और मैं वो सारे के सारे पॉइंट्स इस वीडियो में क्लियर करूंगा और ये थोड़ी सी वीडियो लेंथ ही होगी बट इट विल बेनिफिट फॉर यू एंड इट विल ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द एंडपज ऑफ कैड सो इट्स ऑल अबाउट लेयरिंग सो मैं क्लियरली एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा तो आइए स्टार्ट करते हैं सो गाइज लेट स्टार्ट टू मेक लेयर न्यू लेयर बनाने के लिए आपको लेयर पैनल में जाना है और लेयर प्रॉपर्टीज़ भी क्लिक कर देना है और लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर की जो शॉर्टकट की है वो एल ए है जैसे ही आप एल ए एंटर करते हैं तो आपके पास सेम एज़ इट इज़ यही डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है तो जब ये ओपन होता है तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहे होते हैं पहला ऑप्शन न्यू लेयर का होता है तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक न्यू लेयर जो है वो जनरेट हो जाती है तो इसका नाम जो है वो चेंज करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और एफ़ टू पर जाना है और यहाँ पर आप नाम जो है वो जो भी रखना चाहते हैं वो आप नाम दे सकते हैं जैसे आप अगर इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिकल लेजेंड इलेक्ट्रिकल कंड्यूट और इलेक्ट्रिकल वायर इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, जो भी लेयर आप बनाना चाहते हैं जिस लेयर के अंदर अपने कंपोनेंट अपने वायर्स अपने कंड्यूट शो करना चाहते हैं उसकी अलग अलग लेयर जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं तो सेकेंड नंबर पर हमारे पास ऑप्शन आता है न्यू लेयर व्यू पोर्ट का न्यू लेयर वी का मतलब होता है व्यू पोर्ट फ्रोजन इन ऑल व्यू पोर्ट्स आप लोग जब पेज सेट करते हैं तो उसमें अपनी एक व्यू पोर्ट लगाते हैं ताकि आप मॉडल का ऑब्जेक्ट्स जो है वो उसमें देख सकें जो भी ड्रा हुए हुए हैं मॉडल में ये लेयर जनरेट करने के बाद जो भी आप इस लेयर के अंदर ऑब्जेक्ट ड्रा करेंगे वो व्यू पोर्ट्स के अंदर शो नहीं होगा किसी भी व्यू पोर्ट्स के अंदर तो इस वजह से इसको नाम दिया गया है न्यू लेयर वी फ्रोजन मतलब वी फ्रोजन का मतलब यह है कि फ्रीज है व्यू पोर्ट्स के अंदर ओके और इसको मैं आप यहाँ पे डिलीट करता हूँ थर्ड नंबर पे ऑप्शन आता है डिलीट का तो जब आप कोई भी लेयर डिलीट करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करें और डिलीट का ऑप्शन दबा दें तो वो डिलीट हो जाएगा और जिस लेयर में आप काम करना चाहते हैं मॉडल में जाके तो आप सेट करंट करें तो वो सेट करंट हो जाएगा और आप उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी लाइंस लगा सकते गाइस आपको हर लेयर के सामने उसकी सेटिंग्स उसके ऑप्शंस डिफरेंट ऑप्शन जो उसमें सेट हो सकते हैं वो अवेलेबल होंगे तो आइए इनको चेक करते हैं वन बाय वन तो बाकी ऑन ऑफ फ्रीज लॉक कलर ये मैं आपको लेयर की लिस्ट जो होगी जो हमने लेयर्स जनरेट की हुई हैं उसमें मैं आपको ये तीनों चीज़ें क्लियरली चारों चीज़ें जो है वो क्लियरली बता दूंगा फर्दर इसमें हमारे पास आता है ऑप्शन लाइन uh, टाइप का तो लाइन टाइप अगर आप कंटिन्यूस रखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप इस पर क्लिक करें और लोड पे जाएं और यहाँ से डैश वाली या जो भी लाइन टाइप आप इंसर्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ओके okay करता हूँ एंड देन ओके तो अब हमारे पास मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके okay करूँगा तो वो डैश डॉट इस ये जो ज़ीरो नंबर वाली लेयर है उसकी जो लाइन टाइप है वो डाई डॉट में बदल जाएगी फर्दर अच्छा ये होती क्यों है ये क्यों हम यूज़ करते हैं डिफरेंट कंटिन्यूस और डिफरेंट जनाब लाइन टाइप क्यों यूज़ की जाती हैं ये ड्राइंग के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट लाइंस को और डिफरेंट पाइप्स को डिफरेंशिएट करने के लिए एक दूसरे से हम ये जो लाइन टाइप है ये यूज़ कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से खुद भी बना सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल की लाइंस वायर्स uh, को शो करने के लिए मैं उसमें इलेक्ट्रिकल वायर लिख सकता हूं या ई डब्ल्यू लिख सकता हूं कुछ भी लाइन टाइप जो है वो अपनी मर्जी से जनरेट कर सकते हैं वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा वन बाय वन तो इसके अलावा लाइन वेट होता है आप जो लाइन का वेट है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं एज यू विश कि आपकी जो लाइन है वो जो थिकनेस है वो मोटी हो मतलब जैसे आप कोई लाइन लगाते हैं जिसकी थिकनेस वन एम, एम है और दूसरी लाइन लगाते हैं जिसकी थिकनेस जो है वो टू एम, एम है तो आप यहाँ से वो सेट कर सकते हैं और ये इस वजह से होता है कि आपके जो प्रिंट है उसमें लाइन जो है वो वाजिया हो जाए क्योंकि आप लाइन की थिकनेस अगर कम रखते हैं तो पेज अगर बड़ा है आपका या प्लान आपका बड़ा है तो वो उसमें रिप्रेजेंट नहीं होगा वो बहुत ही बारीक होगा जो समाइम uh, रीडेबल नहीं होता तो ये भी आप इसको यहाँ से इनक्रीज़ करके अपने प्रिंट की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं तो ट्रांसपेरेंसी मतलब मॉडल में काम करते हुए आपको ट्रांसपेरेंसी के बहुत ज़रूरी होता है कि ट्रांसपेरेंसी सही हो अगर ट्रांसपेरेंसी आप हाई रख देते हैं इसका क्या होता है कि वो आपको लाइन बहुत ही मध्यम नज़र आएगी और आपको काम करने में मॉडल में मॉडल चूँकि ब्लैक कलर का होता है आप उसको चेंज भी कर सकते हैं लेकिन ब्लैक कलर में काम करते हुए थोड़ी सी मुश्किल आएगी क्योंकि वो जितनी भी जो भी आप ड्रॉ करेंगे वो बहुत ही मध्यम लिखा जाएगा या ड्रा होगा तो इसको आप टेंट पे ही रहने दें ओके और ये हमारे पास आता है कलर प्लॉट स्टाइल जब आप प्रिंट लेंगे तो जो आने वाली वीडियो में मैं आपको प्रिंट के बारे में बताऊंगा तो जो आप प्रिंट लेंगे तो उसमें जो कलर सेट किए होंगे लेयर्स के तो वो यहाँ पे जो है वो शो हो रहे होंगे तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है प्लॉट का मतलब प्रिंट का तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी इस लेयर में ड्रा हुआ है वो प्रिंट के अंदर नहीं आएगा व्यू पोर्ट के अंदर आएगा लेकिन प्रिंट के अंदर शो नहीं होगा ओके okay? आप इसको ऑन रखें या जिस भी लेयर में आप जो है वो ऐसा करना चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंट के अंदर ना आए और बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट आ जाएँ तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और एक ऑप्शन होता है वी का न्यू वी पी फ्रीज अच्छा मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था कि ये जो होता है ऑप्शन न्यू लेयर वी जब मैं इसमें कोई भी लेयर जनरेट करता हूँ लाइक आई हैव जनरेट विंडो तो यहाँ पे ये फ्रीज हुआ हुआ आ, शो होता है मतलब ये बल्ब जो है वो ऑन है और यहाँ पे फ्रीज हुआ हुआ है। मतलब ये जितने भी व्यू पोर्ट्स होंगी उसके अंदर इस लेयर के अंदर जो भी विंडोज़ बनेंगी वो व्यू पोर्ट के अंदर शो नहीं होंगी और ना ही वो प्रिंट के अंदर आएंगी इसका मतलब ये है और आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल लेयर में क्या आप इस पर क्लिक करें तो आपके जो प्रिंट है व्यू पोर्ट्स हैं उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स विंडो वाली लेयर में ड्रा हुए होंगे या इस लेयर में ड्रा हुए होंगे वो शो होना शुरू हो जाएंगे और आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑफ हो जाएंगे और आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो वो ऑन हो जाएंगे ओके? तो ये ऑप्शन है डिलीट का तो ये जनाब आपके पास लिस्ट का ऑप्शन आता है कि जितनी भी लेयर आप बनाएंगे वो यहाँ पे शो होती जाएंगे वन बाय वन और जिसको सेट करंट करना चाहते हैं जैसा कि आपने डायलॉग बॉक्स में देखा तो वहाँ पे सेट करंट करने की एक अलग से बटन था तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो सेट करंट हो जाएगी जो भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे ड्रा करेंगे वो इस लेयर में बन जाएंगे तो अब इस लेयर के अंदर हम सर्कल पहले लगा लेते हैं कुछ ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं तो गाय सारी लेयर्स की जो बनाने के बाद उनके सेटिंग करने के बाद हमारे पास लेयर लिस्ट का ऑप्शन आता है और जब आप इस डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो जितनी भी लेयर्स आपने बनाई होती हैं वो सारी के सारी लेयर्स यहाँ पे शोर ही होती हैं हमने यहाँ पे तीन लेयर्स क्रिएट की थी सर्कल रेक्टेंगल स्क्वायर। तो मैंने रेक्टेंगल की लेयर में रेक्टेंगल ड्रा कर लिए और स्क्वेयर की लेयर में स्क्वायर जो है वो ड्रा कर लिए तो अब वन बाई वन इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं पहला जो पॉइंट है वो ये है ऑन ऑफ लेयर अब ये क्यों यूज़ किया जाता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि अब मैंने इसके ऊपर डिफरेंट ड्राइंग्स बनी हुई हैं अब डिफरेंट लेयर्स पे आपने काम करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं जो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं तो अब मैं जब इसको सेलेक्ट करना चाहूँगा तो इट विल डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सेलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स मुझे ये वन बाई वन इसको जूम आउट करके ताकि ये वाले रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट्स मैं सेलेक्ट ना कर दूँ और मैं इसको डिलीट करते हुए इसको भी डिलीट कर दूँ या या ये तो मैंने सिंपल ऑब्जेक्ट्स लिए हुए हैं वहाँ पे जब आप बिल्डिंग ड्रा करते हैं या इलेक्ट्रिकल की मैकेनिकल के लाइंस और लेयर्स को कंबाइन करते हैं या ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करते हैं तो उसमें वो फ्रंट एंड बैक पे आ जाते हैं उस वजह से सिलेक्शन करना टूल ऑब्जेक्ट्स uh, की तो डिफ़िकल्ट होता है तो उसमें आपके मकैनिकल लेयर को ऑफ कर देते हैं प्लबिंग के लेयर को ऑफ कर देते हैं जस्ट इलेक्ट्रिकल और बिल्डिंग की लेयर्स जो है वो रहती हैं और उस पर काम कर रहे होते हैं तो ये ऑप्शन जो है वो यूज़ किया जाता है अब जैसे मैं इसको यहाँ पर अब मैं स्क्वेयर को जो है वो ऑफ़ कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि बाकी लेयर्स में मुझे काम करना बहुत आसान होगा अब जैसे मैं रेक्टेंगल की लेयर पे ऑफ कर दूं और बाकी सर्कल की लेयर जो है उसमें मैं जितना मर्ज़ी काम कर लूं दैट विल नॉट इफ़ेक्ट ऑन माय वर्क ओके सो इसका मकसद यही है कि आपके लिए आसानी हो और आप आसानी से ड्राइंग्स को मैनेज कर सकें बताऊँ अगेन जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑन हो जाता है तो इसके नेक्स्ट पर ऑप्शन आता है फ्रीज और था इन ऑल व्यू पोर्ट्स मतलब फ्रीज का मतलब ये है कि आपकी जो लेयर है जितने भी व्यू पोर्ट्स होंगे वो सारी के सारी व्यू पोर्ट्स में फ्रीज हो जाएगा मतलब आप जो भी ऑब्जेक्ट्स ड्रा करेंगे इसके अंदर मॉडल के अंदर रहेंगे और फिर जब प्रिंट लेने की बारी आएगी तो वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने ड्रा किए होंगे जो फ्रीज़ की हालत में है वो नज़र नहीं आएंगे प्रिंट नहीं होंगे जैसे मैं रेक्टेंगल जो है वो इस पर क्लिक करता हूँ और लेआउट में जाता हूँ तो जितने भी रेक्टेंगल हैं व्यू पोर्स के अंदर वो नज़र नहीं आएंगे तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ तो इसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन आता है इसमें लॉक का ऑप्शन है कि अब मैं इसमें स्क्वेयर की लेयर को मैं लॉक कर देता हूँ और बाकी जो भी लेयर्स होंगी उन पे मैं आसानी से काम कर सकूँगा और ये वाली जो लेयर है ये वहीं पर रहेगी लेकिन मुझे नज़र आती रहेगी ऑन ऑफ़ में ये था कि मैं उसको ऑफ़ कर देता हूँ वो मुझे नज़र नहीं आएगी ना ही व्यू पॉइंट में और ना ही मॉडल में फ्रीज का मतलब भी यही था ना ही मुझे मॉडल में नज़र आएगी और ना ही मुझे व्यू पोर्ट्स में नज़र आएगी और लॉक का मतलब ये है कि आप अपनी जो लेयर है उसको लॉक कर देते हैं उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स ड्रा हुए हुए हैं वो सारे के सारे नज़र आएंगे लेकिन धुंधले नज़र आएंगे उसकी जो सेटिंग है ट्रांसपेरेंसी की या फेड की तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं इसके लास्ट में ऑप्शन दिया गया है लॉक्ड लेयर फेडिंग अब यहाँ पे आप उसकी फेडिंग अगर हाई कर देते हैं मतलब टेन कर देते हैं तो वो हमें नज़र आएंगे मतलब कम धुंधले जो है वो हुए नज़र आएंगे लेकिन जैसे ही आप इसको नाइन्टी डिग्री नाइन्टी परसेंट कर देते हैं तो बिल्कुल वो मध्यम हो जाते हैं नज़र नहीं आएंगे तो ये है इसकी ट्रांसपेरेंसी जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं तो हम इसको फिफ्टी पे रख देते हैं तो ये हमें नज़र आए लेकिन ज़्यादा नज़र ना आए और हमें पता चल जाए कि ये लॉक्ड हैं और ये अनलॉकड हैं ओके अब मैं इस पर लॉक्ड करने का मकसद भी यही है कि मैं इनको सिलेक्ट कर दाऊँ लेकिन और जो भी अप्लाई करूँगा वो इस पर अप्लाई नहीं होगा और बाकी जो दूसरी लेयर्स हैं उनके ऊपर जो मैं अप्लाई करूँगा जैसे अरेज़ की कमांड अप्लाई करता हूँ सर्कल ये वो मूव की कमांड वो उन पे अप्लाई होगी इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगी तो जैसे मैंने अरेज़ किया तो ये अरेज़ नहीं हुआ बाकी दोनों अरेस हो गए अब मैं इसको मूव करना चाहता हूँ मैंने इनको भी सिलेक्ट किया लेकिन ये मूव नहीं होंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूव हो जाएंगे तो मैं अगेन इसको अनलॉक कर देता हूँ और हमने कलर रेक्टेंगल वाली लेयर को दिया हुआ है वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जैसे मैं इसको रेड कलर को येलो कर ग्रीन कर देता हूँ तो ऑल द सर्कल्स विल बी ग्रीन अब ये सारे के सारे सर्कल ग्रीन क्यों हुए अब जैसे मैं यहाँ पे ब्लॉक के आगे एक ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज़ का तो ये लेयर का एक हिस्सा है एक पार्ट है तो जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है बाय लेयर और जब मैं इसको बाय ब्लॉक करता हूँ और कोई भी चीज़ ड्रा करता हूँ तो इसका मतलब ये है जैसे मैंने ये सर्कल में ड्रा किया लेकिन इसका कलर वाइट आ रहा है और सर्कल की लेयर का कलर ग्रीन है तो जैसे ही मैं इसको बाय लेयर करता हूँ अब ये वाला सर्कल इस सर्कल वाली लेयर में तो बना है लेकिन इसका कलर जो है वो डिफ़रेंट है बाय ब्लॉक है लेयर नहीं है तो बाय ब्लॉक और बाय लेयर में यही फ़र्क है कि मैं अब इसका सर्कल का कलर चेंज करूँगा तो दूसरे जितने भी सर्कल होंगे जो बाय लेयर में होंगे उनका कलर चेंज होगा बाकी जो बाय लेयर में नहीं होंगे उनका कलर चेंज नहीं होगा जब भी आप ऑब्जेक्ट्स ड्रा करें तो आपको यह ख़ास ख्याल रखना है कि बाय लेयर में करने हैं या बाय ब्लॉक में करने हैं अगर आप बाय ब्लॉक में करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट हैं वो बाय लेयर में नहीं है मतलब लेयर का कलर चेंज करने से उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वो खुद का कलर खुद चेंज करना होगा जैसे मैं अब इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद कलर जो है वो खुद चेंज कर सकता हूँ और बाकी दूसरे उसी लेयर के सर्कल के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होगा ओके okay? तो ये बाय लेयर और बाय ब्लॉक का मकसद यही होता है अब मैं जितने भी हैं इन सब को कन्वर्ट कर देता हूँ बाय ब्लॉक में तो बाय ब्लॉक में जब मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ऑल दीज सर्कल्स विल बी इन वाइट मैं अब इनको सेलेक्ट करता हूँ और जनाब देख आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि बाय ब्लॉक में है और अब मैं सर्कल का कलर जो है वो चेंज करता हूँ तो अब इस पर इफेक्ट नहीं होगा जब तक ये बाय ब्लॉक बाय लेयर नहीं होंगे अब मैं इसको बाय लेयर कर देता हूँ तो बाय लेयर करता हूँ तो इसका कलर चेंज हो जाता है तो ये कलरिंग थी और ये लेयरिंग और बाय लेयर और बाय ब्लॉक का मकसद ये था तो गाइस फर्दर हमारे पास पॉइंट आता है लाइन वेट का तो इसमें भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं या बाय लेयर रखें या बाय ब्लॉक करें या डिफरेंट लाइन वेट के ऊपर आप उसे अपनी लेयर को सेट करें अगर आप बाय लेयर करेंगे तो इसका मकसद ये होगा कि जब जो आपने लेयर सेटिंग के वक्त उसमें लेयर की जो लाइन लेयर uh, की जो लाइन टाइप है उसको सिलेक्ट किया था वही उसकी लेयर जो है वो रहेगी जैसे अब मैं सर अगर रेक्टेंगल की लेयर्स को अगर मैं बॉर्डर कर देता हूँ या डिवाइड के ऊपर सेलेक्ट कर देता हूँ ये जो डिफरेंट लेयर्स आप देख रहे हैं लाइन लाइन टाइप देख रहे हैं ये यहाँ से आई हैं लोड के ऊपर जाएँ और फिर यहाँ से आप सेलेक्ट करके ओके okay कर दें तो यहाँ पर आ जाएंगी ऐड हो जाएंगी तो अगर आप इसको डिवाइड दिव, के ऊपर सेट कर देते हैं तो इस पूरी के पूरी जो भी आप इसमें ड्रॉ करेंगे वो डिवाइड के ऊपर सेट हो जाएगी तो यहाँ पर ये यह अलग से आपको ऑप्शन दे रहा है बाय लेयर का अगर आपने बाय लेयर वहाँ पर सेट कर दिया डिवाइड को तो फिर आपको यहाँ पे बायलेयर लेयर रखेंगे और जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे के सारे बाईलेयर में डिवाइड लाइन टाइप के ऊपर बनेंगे ओके अब यहाँ पर आप इंडिविजुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं जो न्यू ऑब्जेक्ट बनाऊँगा वो डिवाइड के ऊपर बने अब जैसे मैंने अब उसको सेलेक्ट कर दिया डिवाइड और मैं यहाँ पर आया और सर्कल लगाया तो जितने भी मैं ऑब्जेक्ट अब ड्रा करूँगा वो सारे के सारे डिवाइड लाइन टाइप के ऊपर बन रहे होंगे ओके okay, गाइज़ फ़र्दर अगर मैं अपनी रेस्ट ऑफ द जो मैंने लगाए हुए हैं सर्कल उनको डिवाइड में लेके जाना चाहता हूँ तो मैं उनको सेलेक्ट करूँगा फर्दर मैं यहाँ पे डिवाइड पे क्लिक करूँगा तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे के सारे जो मैंने सेलेक्ट किए सारे डिवाइड में चले गए तो अब आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान जो स्पेसिंग है या लाइन स्के लाइन टाइप स्केल है वो ज़्यादा है इसके दरमियान लाइन टिप स्केल कम है तो इसकी मैंने मैनुअली इसको सेट किया है कंट्रोल वन प्रेस करके जब मैं कंट्रोल वन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आता है मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे वो पूछ रहा है लाइन टाइप स्केल तो डिवाइड आ रहा है और लाइन टाइप स्केल आ रहा है तो जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे लाइन टाइप आ रहा है डिवाइड और स्केल आ रहा है अगर मैं इसका स्केल भी दस कर देता हूँ तो ये भी सेम एज इट इज़ यही बन जाएगा तो ये है सेटिंग कि जिसके ज़रिए आप इसको मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं और सर्कल की जो लेयर है वहाँ पर डिवाइड सेलेक्ट करने के बाद जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे वो सारे बाय लेयर में बनाएंगे तो वो उसी लेयर की लाइन टाइप के ऊपर बनेंगे ओके okay? तो फर्दर हमारे पास ऑप्शन आता है फेडिंग का कि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ सर्कल की लेयर में ही हुई हूँ और यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया ट्रांसपेरेंसी को हाई कर दिया अब जो भी अगेन मैं फर्दर ऑब्जेक्ट लगाऊंगा उसकी ट्रांसपेरेंसी जो मैंने पहले ऑब्जेक्ट लगाए हुए उससे बहुत कम हो जाएगी मतलब वो नज़र नहीं आएंगे ट्रांसपेरेंसी हाई होने की वजह से तो अब मैं दोबारा इसको ट्रांसपेरेंसी को ज़ीरो कर देता हूँ तो अब देखें इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक आप इसको सेलेक्ट करने के बाद दोबारा ट्रांसपेरेंसी को कम ना कर दें जैसे ही आप ट्रांसपेरेंसी को कम करते हैं तो वो ज़हर होना शुरू हो जाता है यानी फेडिंग ख़त्म हो जाती है तो फर्दर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आते हैं ऑन ऑफ़ कि अगर मैं जिस भी लेयर इन में से जिस लेयर को ऑन या ऑफ़ करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा कहेगा कि सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट अब मैंने लाइक like, रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया मैंने ओके okay कर दिया एंटर दबा दिया तो वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे रेक्टेंगल की लेयर में बने हुए वो सारे के सारे क्या हो गए हैं ऑफ़ हो गए हैं मतलब ये आप देख सकते हैं कि ये जो बल्ब है ये ऑफ़ हो गया है तो अब जैसे ही आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें जितने भी ऑब्जेक्ट जितनी भी लेयर्स ऑफ हुई होंगी वो सारी के सारे लेयर्स ऑन हो जाएंगी फर्दर हमारे पास ऑप्शन आता है आइसोलेट का तो जब आप आइसोलेट पे क्लिक करते हैं और रेक्टेंगल की लेयर को सिलेक्ट करते हैं और फिर एंटर करते हैं इसका मकसद ये होता है कि आपने जिस लेयर पे काम करना है उसको ऑन रखें और बाकी जितनी भी लेयर्स हैं मॉडल के अंदर या ड्राइंग के अंदर वो सारी के सारी ऑफ हो जाए तो मैं अब इस लेर पर आसानी से काम कर सकता हूँ जस्ट वन लेर पर अब मैंने सेलेक्ट तीनों लेयर्स कर ली सारे ऑब्जेक्ट्स कर लिए और मैं अरेज की कमांड लगाता हूँ तो जस्ट वही ऑब्जेक्ट अरेज होंगे जिसको मैंने आइसोलेट किया था बाकी ऑब्जेक्ट से और आइसोलेट करने से ये होता है कि बाकी जितनी भी लेयर्स होती हैं वो सारी के सारी लॉक्ड हो जाती हैं और जस्ट वही लेयर जो है वो अनलॉक रहती है जो जिसको मैंने सेलेक्ट किया अब मैं सारे के सारे लेयर्स को दोबारा से अनलॉक करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा अन आइसोलेट पर तो वो जितनी भी लेयर्स होंगे वो सारी के सारी अन आइसोलेट हो जाएंगी इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है फ्रीज़ का तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मुझे कहता है सेलेक्ट द लेयर तो मैंने लेयर सेलेक्ट की और सेम एज़ इट इज़ उसी तरह वर्क कर रहा है ऑन एंड ऑफ़ ये इसने फ्रीज़ कर दिया उसको गायब कर दिया और जब मैं इसको अनफ्रीज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पर तो वो अनफ्रीज हो जाएगा ये बिल्कुल ऑपोजिट दिया हुआ है ऊपर जो है वो ऑफ दिया हुआ है नीचे ऑन ऊपर आइसोलेट दिया हुआ है नीचे अन आइसोलेट ऊपर फ्रीज़ दिया हुआ है नीचे अनफ्रीज तो अब यहाँ पर ऑप्शन आता है लॉक का कि अब मैं जिस लेयर को लॉक लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा तो ये वाली लेयर लॉकड हो जाएगी तो दोबारा से मैं दूसरी लेयर को सिलेक्ट करूँगा वो भी लेयर जो है वो लॉकड हो जाएगी अब मैं इसको अरेज़ करना चाहूँगा तो ये अरेज डिलीट और डिफरेंट फंक्शंस मूव वगैरह काम नहीं करेंगे तो इन लेयर्स को अनलॉक करने के लिए मैं क्या करूँगा बिल्कुल उसके नीचे देखें तो यहाँ पर अनलॉक का ऑप्शन होगा आपको इसको क्लिक करना है और जो जो लेयर को आप अनलॉक करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करें और उसको सेलेक्ट करें तो वो अनलॉक हो जाती है इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है मेक करंट जिस लेयर को आप करंट लेयर बनाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें और ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें वो वाली ऑब्जेक्ट की जो लेयर होगी वो करंट लेयर में बदल जाएगी फर्दर हमारे पास आता है मैच प्रॉपर्टी जब आप इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ स्क्र लेयर को और फिर एंटर करता हूँ और फिर इसके साथ मैच कर देता हूँ तो मतलब ये हुआ कि ये भी ये जो स्क्वेयर है ये रेक्टेंगल लेयर में शिफ्ट हो चुका है मैच करने का फ़ायदा ये होता है कि दूसरी लेयर की जो प्रॉपर्टी है वो इस लेयर में शिफ्ट हो जाएगी और ये वाली लेयर जो है वो ख़त्म हो जाएगी अब जैसे ये पहले स्क्वायर में था स्क्वायर से ख़त्म होने के बाद इसने अपनी तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज़ रेक्टेंगल में शिफ्ट कर ली ओके मतलब मैंने इसको सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और फिर एंटर किया और फिर दोबारा जिस लेयर से आप शिफ्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक किया तो वो दोबारा से रेक्टेंगल शेप में बन जाएगा स्क्वायर लेयर ख़त्म हो जाएगी अब मैं इसको इन दोनों को दोबारा से अगेन मैच करके उसमें लेके आना चाहता हूँ तो मैं इसको क्लिक करूँगा जिन ऑब्जेक्ट्स को आपने लेयर में कन्वर्ट करना है स्क्वायर लेयर में उनको सेलेक्ट करें एंटर करें और दोबारा स्क्वेर लेयर को सिलेक्ट करें तो वो जितने ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे उस लेयर में आ जाएंगे तो इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे होते हैं गाइड्स तो यहाँ पर आप क्लिक करें अनसेव्ड लेयर स्टेट अब लेयर स्टेट का एक ऑप्शन आ रहा होता है अब जब इस पर डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे न्यू लेयर स्टेट आता है और मैनेज लेयर स्टेट्स आ रहा होता है अब जब इस पर क्लिक करें और यहां पर नाम दे दें ऑफ स्टेट मतलब ये ऐसे स्टेट होगी जिसमें स्क्यर की जो लेयर है वो ऑफ रहेगी लेयर स्क्र ऑफ स्टेट ओके यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे सकते हैं अब एक और मैं स्टेट न्यू जो है वो बना लेता हूँ जिसमें रेक्टेंगल लेयर ऑफ स्टेट आप ये कुछ भी ऑफ ऑन ये अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हैं मैं बताता हूँ अभी इनका क्या फ़ायदा है तो अब देखें कि मैंने इनको जो है वो सेट कर दिया लेयर स्क्वेयर एंड रेक्टेंगल लेयर को अब मैं मैनेज पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर एडिट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है मैंने सेलेक्ट की हुई है लेयर जो कि लेयर स्क्वेयर ऑफ स्टेट है जब मैं इसमें मैंने कहा कि ऑफ़ स्टेट है तो मैं इसको ऑफ़ कर दूंगा और इसको ओके okay कर दूंगा और जब मैंने कहा कि रेक्टेंगल ऑफ है तो मैं इसमें एडिट पे जाऊंगा रेक्टेंगल लेयर ऑफ स्टेट आप रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें टू टाइम्स इस पर क्लिक करेंगे तो वो ओके okay का बटन आ जाएगा कि मतलब ये कि आप इसमें सेटिंग कर रहे हैं आप इसको ऑफ कर दें और ओके कर दें इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हमने दो टाइप्स की जो है वो सेटिंग कर ली मतलब लेयर के स्टेट्स बना ली पहली लेयर में पहली स्टेट में क्या होगा कि स्क्वायर वाली लेयर जो है वो ऑफ़ रहेगी और दूसरी स्टेट में क्या होगा कि रेक्टेंगल वाली लेयर ऑफ़ रहेगी अब ये देखिए है क्या कि दो आपके पास एक ही ड्राइंग है आपने दो स्टेट्स बनाई आप कहते हैं कि पहली में मकैनिकल की लेयर्स ऑफ हो जाएं सारी के सारी और दूसरी स्टेट में इलेक्ट्रिकल की लेयर्स ऑफ हो जाएं सारी के सारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल की लेयर्स हैं तो अब जब आप पहली लेयर पहली स्टेट में सेलेक्ट करेंगे तो वो मकैनिकल की ऑफ रहेंगी और इलेक्ट्रिकल की शो हो रही होंगी और दूसरी लेयर में जब आप जहाँ पे इलेक्ट्रिकल की ऑफ हैं तो उस पर क्लिक करेंगे तो मैकेनिकल की शो हो रही होंगी तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड हैंडल द ड्राॅइंगस ओके और अब आप इसको क्लोज पे क्लिक कर दें जैसे ही आप क्लोज पे क्लिक करते हैं तो आपके पास स्टेट्स बन जाती हैं अब आप जाना चाहते हैं स्टेट वन में जिसमें स्क्यर जो है वो ऑफ़ हो जाते हैं अब आप देख सकते हैं इट्स वेरी ईजी आपको ये स्क्केयर वाली लेयर जो है वो ऑफ़ करनी नहीं पड़ी आपको जस्ट वन टाइम लेयर स्टेट बनानी है और उसमें जितनी भी लेयर्स हैं उनको ऑफ़ करनी है या ऑन करना है फ्रीज़ करना है या नहीं फ्रीज़ करना वो आप स्टेट जनरेट कर सकते हैं अब मैं दूसरी स्टेट में जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास रेक्टेंगल लेयर जो है वो ऑफ हो जाती है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आपको ये बहुत आसान और बहुत ईजी वे है चीज़ों को समझने का और आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आसानी से अपने ड्राइंग्स को आगे वर्किंग में लेके जा सकते हैं और आसानी से ड्राइंग पे काम कर सकते हैं फर्दर हमारे पास ऑप्शन आता है प्रीवियस का कि जो भी आपने लेयर्स में जो भी सेटिंग की है उसको आप चेंज करना चाहें अन करना चाहें इसके अलावा हमारे पास चेंज टू करंट लेयर मतलब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो जो करंट लेयर में कन्वर्ट कर दो मतलब जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर ओके okay करता हूँ तो ये जितने भी जो मैंने सेलेक्ट किया वो सारे के सारा स्क्वेयर लेयर में चला गया जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्क्वेयर आएगा जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रेक्टेंगल आ रहा है अब दोबारा से इसको उसमें ले कर आना होगा रेक्टेंगल लेयर में ले कर आना है तो देन चेक ओके तो आपने यहाँ पर रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आए और इसमें क्लिक किया तो ये रेक्टेंगल लेयर में अगेन आ जाएगा तो अब फर्दर हमारे पास ऑप्शन आता है कॉपी ऑब्जेक्ट्स टू न्यू लेयर मतलब जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करूँ और वो दूसरी लेयर में बन जाए अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इस ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया वो पूछते हैं कि किस लेयर में रखना है तो आपको नेम पे क्लिक करना है सर्कल में जाना चाहते हैं तो आप इसको सर्कल में करने के बाद इसको ओके करते हैं जैसे ही आप ओके करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट सर्कल में कन्वर्ट होता है और फिर कॉपी हो जाता है इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है लेयर वॉक आप कौन सी लेयर ऑन रखना चाहते हैं आप देखना चाहते हैं कि कौन सी लेयर कहाँ पे कौन सी लेयर है जैसे मैं जीरो पर करता हूँ तो कोई भी लेयर जीरो में कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रा नहीं हुआ अब सर्कल देखना चाहते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे वो सारे नज़र आ रहे होंगे रेक्टेंगल में जाएंगे जितने ऑब्जेक्ट होंगे रेक्टेंगल वाली लेयर में वो सारे आ रहे होंगे स्क्वेयर में जाएंगे तो जितने ऑब्जेक्ट हैं स्क्वेयर में वो सारे के सारे आपको शो हो रहे होंगे ये आप देख सकते हैं वी पी फ्रीज इन ऑल व्यू कोर्स एक्सेप्ट करंट तो ये वर्क करता है लेआउट में हम लेआउट में जाएंगे और ये यहाँ पर हमारे पास तीन व्यू पोर्ट्स हैं व्यू पोर्ट्स लगानी हो तो एम वी एंटर करना है और अपनी मर्जी से जितनी व्यू पोर्ट्स लगानी है वो आप लगा सकते हैं जिस भी लेयर में लगाना चाहते हैं वो आप उस लेयर में लगा सकते हैं तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वन टू थ्री एंड फोर्थ हमने लेयर बना ली अब यहाँ पर मैं जाऊँगा और इसमें क्लिक करूँगा और जितने भी मैं चाहता हूँ कि इस लेयर में मुझे रेक्टेंगल शो हो और बाकियों में शो ना हो तो मैं इसको इस पर क्लिक करूँगा और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो बाकी जितने भी व्यू पोर्ट्स थी उसमें नज़र नहीं आ रहे अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास मर्ज का तो मर्ज पे आप जाएं आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें मैं रेक्टेंगल को सेलेक्ट करता हूँ और स्क्वेयर को सिलेक्ट करता हूँ जैसे मैंने स्क्वेयर को सिलेक्ट किया उस लेयर में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ और फिर वो मुझसे पूछ रहा है टारगेटेड लेयर कौन सी है किस लेयर में इन ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैं इस पर जाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दो तो मैं इसको ओके okay करता हूँ तो जैसे ही वो वो मुझसे पूछता है यू आर अबाउट टू मर्ज लेयर स्क्र इन टू लेयर रेक्टेंगल कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके स्क्यर लेयर में हैं वो सारे के सारे रेक्टेंगल लेयर में मर्ज हो जाएंगे मतलब कन्वर्ट हो जाएंगे डू यू विश टू कंटिन्यू यस अब जितने भी लेयर स्क्वेयर्स थे वो सारे के सारे रेक्टेंगल लेयर में आ चुके हैं आप इनको भी सिलेक्ट करें तो यहाँ पर रेक्टेंगल ही शो हो रहा होगा ओके फर्दर हमारे पास ऑप्शन आता है डिलीट का तो मैं यहाँ पे जिसको डिलीट करना चाहता हूँ जिस लेयर को उस पर जाके मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से आप नाम देख सकते हैं सर्कल की लेयर को वो यहाँ पर मैं डिलीट कर सकता हूँ इसके अलावा मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और दोबारा डिलीट पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ डबल क्लिक करता हूँ तो रेक्टेंगल में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे अब ऑन ऑफ नहीं हुए अब डिलीट हो गए उनकी लेयर ही डिलीट हो गई है आप यहाँ पे लेयर लिस्ट में जाएं और यहाँ पर देखें कोई भी लेयर में कोई भी ऑब्जेक्ट की लेयर नहीं शो हो रही मतलब जितनी भी लेयर्स थी वो सारे के सारी डिलीट हो चुकी हैं इसके अलावा हमारे पास फेडिंग का ऑप्शन आता है ये मैंने आपको पहले बता दिया है तो अगर आपका अभी तक कोई लेयर के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स कर सकते हैं इट्स ऑल अबाउट द लेयर्स अदर लेयर का मैंने एक एक पॉइंट उसकी एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया ताकि आपको पता चल जाए कि हाउ टू यूज़ लेयर पैनल मतलब एक एक पॉइंट हर पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया अभी आपको जो भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक Thank you.